सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ मुरिया स्टेशन। तो मैं आ चुका हूँ गाइस ये मुरिया स्टेशन, तो इसी के बारे में आज के इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मुरिया स्टेशन का बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है गाइस। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं गाइस बाहर में। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पार्किंग का जगह बना हुआ है। यह है टिकट काउंटर कुछ इस तरह है गाइस, आप लोग देख सकते हैं चार काउंटर बना हुआ है। सो गाइस, यह है प्रवेश द्वार, यहीं से एंट्री होता है गाइस प्लेटफॉर्म में जाने के लिए, इसी गेट से आना पड़ता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक नंबर प्लेटफॉर्म से नज़ारा आप लोग देख सकते हैं गाइस, कुछ इस तरह का है। ठीक है, मुरी स्टेशन में गाइस ये तीन प्लेटफॉर्म है, और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए ओवरब्रिज बना हुआ गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह बना हुआ है गाइस ओवरब्रिज, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर जाने के लिए आप लोग देख। मुरी स्टेशन गाइस झारखंड के रांची ज़िले के मुरी शहर में स्थित है गाइस। और ये जो स्टेशन है गाइस भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व रेलवे रांची डिवीजन में आता है गाइस। और मुरी जंक्शन भारत के अन्य स्थानों जैसे कलकत्ता, जमशेदपुर, दिल्ली, बड़कन आदि से जुड़ता है। और गाइस इस स्टेशन की कोड की बात करें तो मुरी है। और इस स्टेशन से पैसेंजर ट्रेनें और बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेनें भी गुजरती है, और मालगाड़ी भी गुजरती है इस स्टेशन से। और इस स्टेशन में फेमस अंडा चौक है गाइस, आप जब भी सफ़र कीजिए मुरी होकर अगर गुजरते हैं तो यहाँ का अंडा चौक फेमस गाइस, ज़रूर खाइए, बहुत ही अच्छा रहता गाइस, आप पूरा देश में प्रचलित है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मुरी स्टेशन ट्रेन से कुछ इस तरह के दिखाई देता है, आप लोग देख सकते हैं साइड में है मुरी फैक्ट्री, आप लोग देख सकते हैं। ये है सेकंड प्लेटफॉर्म और मालगाड़ी खड़ी है उस साइड है थर्ड। ठीक है, और यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म का कुछ इस तरह बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं गाइस।
सिफर 1808 मोरी आगरा जंक्शन अब मुरी स्टेशन रात में कुछ इस तरह का दिखता है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आज का जो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।